आइए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टीम एशो में। और आप देखने जा रहे हैं एक और नया वेब सीरीज जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, हम इस वेब सीरीज में भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एज अ इंडियन हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं और हमारे राइट्स जो संविधान में लिखे हुए हैं वो क्या हैं। तो इसलिए हम इस वेब सीरीज़ को लेके आए हैं आपके लिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वेब सीरीज़ के लिए और हमारे दूसरे वेब सीरीज़ जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। तो मैं हूं गौरव प्रजापति। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन के बाद से इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था। हम आज़ाद तो हो गए थे 1947 में, पर 3 साल तक हम डोमिनेंट ऑफ ब्रिटेन ही रहे थे। तो उसके बाद हम 1950 को रिपब्लिक हुए थे। तो ये बड़ा ख़ास दिन था हमारे लिए और उसी दिन से हम उस दिन को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया कंट्री को एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वालिटी और लिबर्टी, सोवेरनिटी, ये सारे टैग्स दिए हुए हैं। तो इसके बारे में हम प्रीएम्बल वाले वीडियो में बात करेंगे। तो इस अब हम आपको बता देते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे फॉर्म्ड हुआ था और किन किन लोगों ने इसमें हेल्प की थी। तो सबसे पहले हमारे पास एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1935 का, जो कि पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन ने हमको दिया था। तो इसको रिप्लेस करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1950 को लगाया है। और आपको हम बता दें कि 26 जैन इसलिए चुना गया था उस डेट को, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने 1930 में 26 जैन के दिन को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। इसलिए हमने वो डेट ली कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए। वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन चुका था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए एक 389 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों के पीरियड के बीच में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब कर दिया था। उसके बाद ज़रूरत है एक ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में फॉर्म हुई, जिसके अंदर काफ़ी मेंबर्स थे जिन लोगों ने उस डिस्क्राइब्ड कॉन्स्टिट्यूशन को एक शॉर्ट फॉर्म में और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाया, जिसके बाद उसको हमने लोगों के ऊपर यानी पीपल के ऊपर लागू किया गया। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो पहले कुछ 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए और 1950 के बाद वही हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट भी बने। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोग थे। माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, एंग्लो इंडियंस के भी थे, यानी सारे ही लोगों को उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी में जगह दी थी कि पूरी देश के सारे लोगों के साथ इक्वलिटी हो, किसी के भी साथ कोई गड़बड़ी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उनको कॉन्स्टिट्यूशन से। इसलिए सारे ही लोगों को उसमें जगह दी गई थी, और जो कि 166 डेज तक ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम किया था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को 2 लैंग्वेज में लिखा गया था, इंग्लिश और हिंदी, जो कि अभी भी हीलियम के एक पैक्ड बॉक्स में कैप्ड है पार्लियामेंट हाउस में, जो आप देख सकते हैं अगर आप कभी पार्लियामेंट हाउस जाएं तो। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रीएम्बल के बारे में, जो कि फर्स्ट पेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पूरे वेब सीरीज़ के लिए।